टू पॉजिटिव चार्ज कैरिंग अ चार्ज क्यू आर सेपरेटेड डिस्टेंस डी. इफ एफ इज द फोर्स रिपल्सन बिटवीन द आयंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी ई बीइंग चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इसमें नॉर्मली पता है. अब ये बताओ, आपको ये नहीं पता होगा कि हमारे पास अगर कोई चार्ज है, ये अब यही सोच रहे हो ऐसे ही क्वेश्चन. आसान भी करो, कोई दिक्कत नहीं. ये क्यू है, ये क्यू है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन कह रहा लगेगा, रिपल्सन करेगा, वो कह रहा है एफ है. एफ की वैल्यू कितनी होती है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, तो दोनों सेम है, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर. तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट मैं सॉल्व कर दूँ, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर एफ. पूछा क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम द ईच आयंस विल बी. ठीक है, तो क्यू इक्वल टू आपको एक नॉर्मल क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कल थ्योरी में बताने का प्रयास कर रहे थे, कितना मिसिंग होता है, क्यू इक्वल टू एन ई. तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई ई हो जाएगा. और ये स्क्वायर हटाओगे, इधर से क्यू स्क्वायर था तो इधर ये रूट बन गया था, तो यहाँ क्यू की वैल्यू नॉर्मली रखना तो है जी, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है. एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू की वैल्यू रखो जरा, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई ई. ठीक है, बोलो जी, ई को इसने क्या लिया है, अंदर ले लिया, कर लो, आंसर भी तो मैच कराना है. एन की वैल्यू रूट में रखोगे, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर एफ, सॉरी थोड़ा अच्छे से बना दो, डी स्क्वायर एफ, ऐसे एफ बन जा रहा है जी, एफ एफ डिवाइडेड बाई. अच्छा, रूट में जबरदस्ती लिखना हो तो ई स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि रूट के बाहर आ जाएगा ना जी. बोलो जी, अच्छा ये कर लिए थे, सी वाला मैच कर रहा है, समझे कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं.